हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। क्या आप जानते हैं 100 और 110 cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक कौन सी है? वो है बजाज की CT 100। इनफैक्ट CT 110 भी उसी कैटेगरी में आती है। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जो अभी लॉन्च हुई है बजाज की 110X CT 110X, इसके बारे में आप जान पाओगे ये प्रैक्टिकली और थेरोटिकली और टेक्निकली आपके लिए कितनी यूजफुल है, इसे खरीदना फायदे का सौदा है या फिर नहीं, या फिर इससे बेहतर कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंजन पे। तो इसका जो इंजन आपको मिल रहा है वो है 115 cc का, 115 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 8.6 PS की एट द रेट 7000 RPM पर। मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 9.81 Nm की एट द रेट 5000 RPM पर। इस गाड़ी में आपको 4-स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है किक एंड सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शन के साथ। अब ये जो इंजन है ये अंडर स्क्वेयर इंजन है। अंडर स्क्वेयर इंजन इसलिए है क्योंकि इसमें मिलने वाली बोर साइज जो कि 50 mm है वो कम है, इसके मिलने वाले स्ट्रोक साइज जो कि 58.8 mm जो यहाँ पे जो मिल रही है उसके मुकाबले। तो इस तरह के इंजन्स के अपने भी कुछ फायदे होते हैं, हालांकि नुकसान भी होते हैं। फायदों की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्यूल इफिशियंट इंजन इसे माना जाता है जो अंडर स्क्वेयर इंजन होता है, क्योंकि इसमें कम RPM पर भी आपको अच्छा खासा एक्सेलरेशन और टॉर्क मिल जाता है। नुकसान तो इतना ज़्यादा है नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो हाई स्पीड परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा और मिलता भी नहीं है। तो सोच समझ करके इस अंडर स्क्वेयर इंजन का निर्माण किया गया है, जबकि बजाज की गाड़ियों में ही नहीं, जो सिटी कम्यूटिंग वाली गाड़ी होती है, कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियाँ होती है, छोटी गाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं 100, 110 cc सेगमेंट की, उनमें इस तरह का इंजन दिया जाता है ताकि ये माइलेज ओरिएंटेड गाड़ियाँ बन पाए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी की, मजबूती की। तो यहाँ पे आपको ट्यूबलर सिंगल डाउन ट्यूब विथ लोअर क्रेडल फ्रेम वाली चेसिस मिल रही है, यानी कि इस चेसी पे इस पूरी की पूरी गाड़ी को खड़ा किया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये चेसी जो दिख रही है वाकई मजबूत है, अच्छी है। इसके बदौलत मतलब ये आप उस हिसाब से समझो जैसे कि स्प्लेंडर में मिल रही है, जो कि HF डिलक्स में मिल रही है, पहले वाले स्प्लेंडर प्लस में मिला करती थी, उस हद तक की मजबूत ये चेसी है। जिस पर जो गाड़ी का कंस्ट्रक्शन किया गया है इसमें फैब्रिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल और जो तरह तरह के स्टील मटेरियल, आयरन मटेरियल, सीटिंग क्वालिटी जो भी यहाँ पे दिया गया है, इनफैक्ट हेडलाइट की क्वालिटी, रियर लाइट की क्वालिटी अपने आप में बेहतरीन क्वालिटी का प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि इसका मकसद ही ये अगर हो सके तो ये ऑफ रोड भी हो जाए, हो सके तो ये हाईवे पर भी चल जाए, हो सके तो ये खेती में मतलब यू नो हार्ड रास्तों पर भी चल पाए। इस हिसाब से इसका जो निर्माण है किया गया है बजाज द्वारा और उसी हिसाब से इसे मार्केट में लॉन्च किया गया है, यही एक रीजन है इस चेसी पे इसे देने का। इस गाड़ी का जो ओवरऑल कर्व वेट है वो आपको 118 किलो का मिल रहा है, 118 kg, और वही मैक्स पावर जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा था वो है 8.6 PS का। अब इस हिसाब से पावर टू वेट रेशियो का अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहां पे आपको 72.88 HP पर kg की पावर मिल रही है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब जो देखो यहाँ पे एक कैलकुलेशन ये बनकर के आता है कि एक किलो के लिए जितनी ज़्यादा पावर आपकी लगती है उतना ही आपका एक्सेलरेशन यानी पिकअप बेहतरीन हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि 100, 110 cc सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छी पावर फिगर यहाँ पे बजाज ने प्रोवाइड करी हुई है और काफ़ी अच्छा काम उनके इंजीनियर्स ने इसमें किया हुआ है। इस गाड़ी का जो ओवरऑल व्हील बेस है वो आपको 1285 mm मिल रहा है, यानी 1285 mm का व्हील बेस, यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस। अब ये जितना कम होता है उतनी ही आपकी गाड़ी सिटी राइडिंग में चलाने के लिए इजी साबित होती है, यानी कि कम जगह में घुमाने के लिए अच्छी साबित होती है, जिसे हम टर्निंग रेडियस भी कहते हैं। तो 1285 ये इतना ज़्यादा नहीं है और मैं कहूँगा कि इतना छोटा भी नहीं है, मतलब मिड सेगमेंट में आप कह सकते हो, जिसमें आप हाईवे पर तो चल ही पाओगे, सिटी में भी अच्छा खासा टर्निंग रेडियस, कम जगह में घूम पाओगे, गलियारों में से निकल पाओगे, इस तरह का ये है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा था ये ऑफ रोडिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अब अगर कभी कभार ज़रूरत आन पड़ी खराब रास्तों पे चलने की तो यहाँ पे आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, जो कि इस गाड़ी के नीचे से कुछ भी हिट होने का कोई भी चांस आपको नहीं देगा। मतलब ये 170 mm अच्छी अच्छी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है उसमें भी होता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। ओवरऑल 810 mm की इसकी जो सीट हाइट है वो मिल रही है। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी ओवरऑल
ओवरऑल हाइट, पूरी की पूरी हाइट 5.5 फीट है या फिर 5.4 फीट भी है, तब भी आप इस गाड़ी को आराम से चला पाओगे, दोनों पैर आपके सीट पर बैठने के बाद भी जमीन पर आराम से टिका पाओगे। तो ये है। अब सीटिंग पोजीशन की बात कर ली जाए तो ये पूरी की पूरी सिंगल सीट यहाँ मिल रही है, पीछे कैरियर्स भी है। कैरियर्स की वजह से शायद ये थोड़ी सी छोटी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं। इनफैक्ट दो बंदों के साथ बीच में कुछ वेट है, यू नो गोनी होती है, हंडी होती है, गैस की तरह तरह की चीज़ें अपन रखते हैं, तो वो चीज़ें भी आप रख पाओगे, तब भी आप जो राइडर है और पिलियन है दोनों आराम से बैठ करके जा सकते हो। कंफर्टेबल सीटिंग पोजिशन यहाँ आपको मिल रही है, ना ज़्यादा झुकी हुई है ना ज़्यादा एग्रेसिव है, तो ये बात है। इसी के साथ ये गाड़ी जो मार्केट में आ रही है कुछ अपने आप में बेहतरीन फीचर्स लेकर भी आ रही है। आइए बढ़ते हैं इसके फीचर्स की ओर। यहाँ पे आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है वो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, जिसे CBS कहते हैं। पिछला लगाओगे तो अगला भी अपने आप थोड़ा बहुत लग जाएगा, जिससे गाड़ी स्कीड नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे आपको एनालॉग मिल रहा है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर का फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। पास स्विच, पास लाइट का स्विच इसमें मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी अक्सर ये मिस हुआ करता है। पैसेंजर फूट रेस्ट ऑफकोर्स यस, ये तो बाय डिफॉल्ट मिलना ही है। हेडलाइट इसका आपको हेलोजन मिल रहा है, टेल लाइट बल्ब में मिल रहा है, सिग्नल जो आपके इंडिकेटर होते हैं वो बल्ब जो है नॉर्मल हेलोजन बल्ब इसमें लगा करके मिल रहा है। यहाँ तो कम से कम LED होना ही चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे LED दिया है, लेकिन वो सिर्फ DRLs के लिए और वो नाम के है जो दिन में जलते रहते हैं, यानी डे टाइम रनिंग लैम्प जैसे कहते हैं DRLs, वो है। ट्यूब टायर इसमें मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाने चाहिए थे, और अगर ऐसा हो जाता तो डेफिनेटली ये काफी बेहतर बाइक हो सकती थी। इन सभी फीचर्स के साथ ये पूरी की पूरी गाड़ी जैसे मैंने बताई, वो सभी आपको एक शोरूम के प्राइस रेंज के हिसाब से बताऊं तो यहां पे 55 से लेके 56,000 के बीच में आती है, 55 से लेके 56,000। अब ये प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर सिटी में ऑन रोड प्राइस कुछ और ही होती है, तो आप अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो पूछ सकते हो। चलो यहाँ तक तो सारी बातें सही है, ये गाड़ी बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है। इसमें कुछ नेगेटिव्स, कुछ पॉजिटिव्स पॉइंट्स भी हैं, जो कि किसी और वीडियोस में हम बात करेंगे, यहाँ प्रैक्टिकली बात हो रही है। तो इन सभी के बावजूद अगर बात कर ली जाए इस पर्टिकुलर CT 110X की स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की या फिर सर्विस नेटवर्क की, सर्विस नेटवर्क ऑफकोर्स इस बजाज की ओर से आने वाली गाड़ी है तो बजाज का ही रहेगा। अब बजाज का सर्विस नेटवर्क, जैसे मैं लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि पूरे इंडिया में इनके काफ़ी ज़्यादा सर्विस नेटवर्क है। आप किसी गांव खेड़ों में भी रह रहे हो तो 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के दौरान ही आपको उनका सर्विस नेटवर्क भी जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो बड़ी सर्विस है इनकी बजाज वालों की। लेकिन अगर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि CT 100 ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, 110 भी चल रही है, इनफैक्ट प्लैटिना, मतलब ये ऐसा है कि इन सभी को थोड़ा बहुत 19-20 कॉस्मेटिक चेंजेस करा करके मार्केट में अलग अलग नाम से बजाज उतार रही है। अब अगर इंटरनली देखा जाए तो कुछ हद तक स्पेयर पार्ट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सभी के स्पेयर पार्ट सेम है, ऐसा नहीं है, कुछ हद तक स्पेयर पार्ट मिलते जुलते हैं। अगर इमरजेंसी आन पड़ी, आपको स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है, तो आप CT 110 या फिर CT 100 के भी स्पेयर पार्ट इस गाड़ी में बिठा सकते हो, जो मैकेनिक अपना जुगाड़ लगा के करवा देगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी और सर्विस नेटवर्क दोनों चीजों में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। आइए बढ़ते हैं मोरल पे और बात करते हैं कि किन लोगों के लिए ये गाड़ी बनी है। अब अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो देखो, अगर आपका यूज मैक्सिमम सिटी में हुआ करता है, विलेजेस में भी आपका यूज हुआ करता है, मतलब खराब रास्तों में आपका अक्सर चलना होता है, या फिर आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं है, आपको खेतों में भी गाड़ी ले जाना पड़ता है, कुछ सामान वामान उसमें डालना पड़ता है, उसके अलावा आप माइलेज इफिशियंट गाड़ी देख रहे हो, सबसे बड़ी बात तो अगर आप स्मूथ रनिंग देख रहे हो, यानी कि आपके पीठ में कंधों में दर्द होते रहता है, और स्मूथ सस्पेंशन वाली गाड़ी आप देख रहे हो, और उसके अलावा कंफर्टेबल राइडिंग की आपको आदत सी पड़ गई है वो आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली इन सभी पॉइंट्स को अगर आपकी रिक्वायरमेंट में ये सभी पॉइंट्स मैच हो रहे हैं तो जी हाँ, आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए, ये आप ही के लिए बनी है। अब अगर आपके पास भी ये गाड़ी है, आप इसे चला रहे हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड है आपके सर्कल में जो चला रहा है, आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट करके, क्योंकि हर मंडे में लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहाँ पर आप ही के द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जिसे हम ओनरशिप रिव्यू कहते हैं, वो मैं यहाँ बैठ के मेरे थ्रू, आपके थ्रू, बाकी पब्लिक तक पहुँचाता हूँ, जिससे सामने वाले की भी हेल्प हो जाती है पर्टिकुलर इसी गाड़ी को या फिर किसी और गाड़ी को परचेज करने के लिए। अब अगर आप
चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।